हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का आज का अपना टॉपिक है उसा नॉविच कॉन्सेप्ट। इससे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ लेवाइस कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो में हमने लेवाइस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेवाइस के अनुसार एसिड बेस को डिफाइन किया था, उनके एग्जांपल्स देखे थे, लेकिन यहाँ हम कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। लेवाइस कॉन्सेप्ट का पहला लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग या वीक होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। साथ ही इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना बहुत ज़रूरी था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एसिड और बेस की रिएक्शंस में, जबकि HCl और H2SO4 जैसे एसिड जो हैं वो ऐसा व्यवहार नहीं करते कई रिएक्शंस में, तो ये भी इसका एक फेलियर था। इसके अलावा इस थ्योरी के अनुसार अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना एसिड बेस रिएक्शन थी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस था, और हम जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस हैं वो फास्ट होती है, जबकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनना कई केसेस के अंदर बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तो ये भी इसका एक फेलियर था। इसके साथ ही ये थ्योरी मेनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने पर ज़्यादा जोर देती है, जो कि इसकी एक मुख्य कमी है। इसकी वजह से बहुत सारे असंबंधित अभिक्रियाएं भी उदासीनीकरण अभिक्रिया की श्रेणी में आ जाती है, तो ये इसके कुछ फेलियर्स थे लेवाइस कॉन्सेप्ट के। अब इससे संबंधित हम एक आध एग्जांपल देखते हैं, फिर हम उसा नॉविच कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द लेवाइस एसिड एंड बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन अपने को दी गई है, उसमें पूछा गया है कि लेवाइस एसिड और बेस कौन से हैं। जैसे अमोनिया और सिल्वर प्लस आयन की रिएक्शन करवाई गई है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिल्वर आयन जो है वो यहाँ पर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और अमोनिया जो है वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए सिल्वर प्लस आयन जो है वो लेवाइस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनर यानी लेवाइस बेस की तरह व्यवहार कर रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि व्हाट अलाउज एथॉक्सी एथेन टू बिहेव एज ए लेवाइस बेस। यानी एक इथर है, इसको लेवाइस बेस की तरह व्यवहार करने वो कैसे व्यवहार कर सकता है। तो हम जानते हैं कि इथर में जो ऑक्सीजन होती है वो लोन पेयर प्रेजेंट होता है उस पर, और इस वजह से वो लोन पेयर डोनेट करके लेवाइस बेस की तरह व्यवहार कर सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेवाइस एसिड है या बेस है या दोनों तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर ये होगा कि AlCl3 जो है वो लेवाइस एसिड और बेस दोनों की तरह ही व्यवहार कर सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एटम जो है वो लेवाइस एसिड की तरह व्यवहार करता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, जबकि क्लोराइड आयन जो है वो लेवाइस बेस की तरह व्यवहार करते हुए इसी वजह से AlCl3 जो है वो डाइमर बनाता है, यानी Al2CL6 की फॉर्म में रहता है। तो ये था अपना लेवाइस कॉन्सेप्ट और उसकी लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं उसा नॉविच कॉन्सेप्ट की। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, या मैं ये कहूँ कि ये जो जितने सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, लक्स फ्लड हो या ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट हो, आरेनियस थ्योरी हो, लेवाइस थ्योरी हो, इन सभी का विस्तार है एक तरीके से, इसमें विस्तृत परिभाषा ही है। तो इसके अनुसार जो है एक बेस जो है वो कैसा कंपाउंड है कि जो मैं एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता हूँ, और साथ ही एनायन दे सकता हूँ यानी ऋणायन दे सकता हूँ, या मैं कहूँ कैटायन को ग्रहण कर सकता हूँ, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ अगर किसी सब्सटेंस में है तो वो उसा नॉविच कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस कहलाएगा, और एक एसिड क्या होगा कि वो बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सकता है।
कैटायन दे सकता है, खुद भी कैटायन हो सकता है और कैटायन प्रोवाइड भी करवा सकता है, और एनायन को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, तो इस थ्योरी को हम लेवाइस कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन यानी विस्तार मान सकते हैं। अन्य थ्योरी के अनुसार, थ्योरी के अलावा, इस कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एसिड के रूप में माना गया और बेस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह माना गया है, यानी इसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को के साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शंस को भी एसिड बेस रिएक्शन की तरह शामिल किया गया है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो एसिड बेस रिएक्शंस होगी वो किस तरह से होगी, हम उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पोटेशियम और क्लोरीन की रिएक्शन की बात करते हैं, तो उनकी रिएक्शन से KCl बनता है। तो यहाँ पर पोटेशियम जो है वो बेस की तरह व्यवहार कर रहा है। एक्चुअली पोटेशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो वो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यानी एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है, और पोटेशियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यानी बेस की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक इसी प्रकार सल्फर ट्राइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन की बात करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ क्या है, ऑक्साइड आयन प्रोवाइड करवा रहा है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और कैल्शियम सल्फेट बन रहा है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऋणायन दाता हो गया, और ऋणायन दाता यानी बेस की तरह व्यवहार कर रहा है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ ऋणायन ग्राही हो गया जो एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। अगली रिएक्शन अगर हम देखें, तो आर्सेनिक सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड की रिएक्शन के बीच अगर देखें, तो अमोनियम सल्फाइड जो है वो सल्फाइड आयन त्याग रहा है, और आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो ऋणायन को यानी सल्फाइड आयन को ग्रहण कर रहा है। इसी प्रकार FeCN2 और 4KCN के बीच की रिएक्शन अगर हम देखें, तो इसके अंदर FeCN2 जो है वो साइनाइड आयन से साइनाइड आयन को ग्रहण कर रहा है जो KCN द्वारा दिया गया था। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इन सभी कॉन्सेप्ट में सबसे जनरल कॉन्सेप्ट है। आज तक जो दी गई एसिड बेस की थ्योरीज हैं उनमें सबसे जनरल कॉन्सेप्ट है और सबसे ज़्यादा विस्तृत भी है, और ये लगभग सभी केमिकल रिएक्शंस को जो एसिड बेस की कैटेगरी में आती है उसको सम्मिलित करता है। तो ये था अपना उसानोविच कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से बता देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग एसिड्स वे सब्सटेंस हैं जो बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हों, या कैटायन दे सकते हों, या एनायन ग्रहण कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हो। दूसरी तरफ बेस वे सब्सटेंस होंगे जो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हो, कैटायन ग्रहण कर सकते हो, एनायन दे सकते हो, या इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो ये था अपना उसानोविच कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।